असीम वकार साहब, आपने सुना, ये पूरा का पूरा वही खेल है जिससे इनको लगता है कि जनउधारी, जिससे इनको लगता है कि वो हिंदू वोट जो गुजरात का है, जो हिमाचल प्रदेश का, इनके पास आ जाएगा, बाकी पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, देखिए, बड़ा मजेदार मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही थी, जिस तरह की राजनीति कर रही थी, अरविंद केजरीवाल भी उसी फिल्म के डायरेक्टर बन गए, वो भी वैसे ही फिल्में बनाने लगे। देखिए, केंद्र में आप बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने मांग रखी है, अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री और उनके लोग इस सवाल का सामना कैसे करते हैं। हम लोग तो दर्शक हैं, और सवाल आप देखिए, कल तक को तो ये सबको भेजा करते थे पाकिस्तान, और आज खुद ही भी सवाल खड़ा हो गया पाकिस्तान जाने के लिए। आप ये बताइए कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की मांग सही या गलत। पहले मुझसे पूछ रहा है। पहले तो रूबिका लियाकत जी, आप हर मामले में अपना एक मशवरा रखती हैं। हाँ, आपके हिसाब से ये मांग गलत है सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मांग गलत है सर, ये धर्म निरपेक्ष देश है सर। खत्म बात, अब ये फंस गया सी है। नहीं तो बाकी मामलों में धर्म निरपेक्ष नहीं है ये? नहीं, क्यों नहीं? बाकी मामलों में धर्म निरपेक्ष है, हर मामले में फिर नहीं। पर आप मुझे तो बताइए, मैंने तो कह दिया मामलों में, नहीं, मैंने तो कह दिया मानों को या बाकी लोगों को, मैंने तो कह दिया कि धर्म निरपेक्ष देश है। अब आए ना लाइन पे, मुझे याद पड़ता है कि एक डिबेट में, आप ही की डिबेट में मैं बैठा था, तो बीजेपी की तरफ से ये मुझसे कहा गया कि आप लोग खराब मुसलमान है, मुझसे कहा गया। हाँ। आप लोग देशद्रोही मुसलमान है, मुझे कहा गया। अरे आप कहाँ मुसलमान मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं, आप तो गणेश जी की और तस्वीर पर। नहीं नहीं मैडम, मैडम मैडम, अरे बात तो सुनिए। नहीं नहीं, यू आर नॉट माय टीचर। भगवान का चेहरा छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? नहीं, हम अपना जवाब कल देंगे। ये भावुक नहीं हो रहे हैं, इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि गणेश जी की बात की गई, इनको तकलीफ इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल ने की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या किसी मतलब किसी नेता से? आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आप जो बात बोल रहे हैं वो सच है कि वाकई में आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और वाकई में आप भारत वर्ष के साथ खड़े हैं और सेकुलर हैं, तो आपको जितनी बातें आपने बोली थी इसमें आपको उस धर्म संसद का भी नाम लेना था जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई थी। आपको इसमें उन लोगों की बात भी करना थी जो कह रहे थे कि मुसलमानों का सर्वनाश कर दो, हत्याएं कर दो। आप नहीं बोले सर, आपकी आइडियोलॉजी और मानसिकता दर्शाती है आप क्या हैं। आप एक आंख से दुनिया देख रहे हैं, आप दूसरी आंख को नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि उस आंख से पूरा भारत दिखेगा, लेकिन आप सिर्फ एक आंख से देखना चाहते हैं, जिस आंख से सिर्फ हिंदू दिखता है आपको। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सर? इतने धर्म संसद में मुसलमानों को नरसंहार की बात भी आपने किसी का विरोध किया? वकार साहब, मेरी बात एक का किया हो तो बता दीजिए। जो लोग ईद की मुबारकबाद देते हैं वही मुसलमानों के नरसंहार की बात भी करते हैं। धर्म संसद बहुत पुरानी बासी हो गई सर, वो धर्म संसद अब तो कोई हाथ भी नहीं लगा रहा उसे। मैंने तो डिबेट की थी उस पर, छोड़ दीजिए ना सवाल। मैं दीपांकर से पूछ रहा हूँ, कूद आप जा रही है बीच में। बोलने दे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, मेरे दिल में हिंदुत्व बसता है, और इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि नोटों पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो जो है वो चिपका देनी चाहिए। मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ।